मनमोहक वन नामक एक सुंदर जंगल था और उसके एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वहाँ भीषण आग लग गई। सभी जानवर सभी परेशान थे, काफी डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हवा तेज थी और देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए। पर वे बेचारी क्या कर सकती थी। जल्दी ही पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर से एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है, इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो, क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो, क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है। नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हमसे जो भी हो सके वह करना है, प्रयास ही बड़ी चीज है, मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और अन्य जानवरों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए।